हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केम क्लब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पिक क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IOCL हुआ, टाटा स्टील और बार्क हुआ, इफ़को हुआ, क्रिफ़को हुआ, इन सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, कर आर वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूलिज। इनमें से कौन सा सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज है? ऑप्शन नंबर ए है लो कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन बी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेस एयर, ऑप्शन सी एस फॉर्मेशन, ऑप्शन डी इज ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इज ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉलिड फ्यूल को का ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना सॉलिड फ्यूल को आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल इज, इनमें से कौन सा एक डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल का? तो ऑप्शन नंबर ए क्लिंकर फार्मेशन, ऑप्शन बी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लिंकर फार्मेशन इज डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पहले फिल इन द ब्लैंक दिया है, उसका कह रहा है आर यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट्स इन ओल्डन एज, मतलब पुराने समय में रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड फ्यूल्स, ऑप्शन बी है लिक्विड फ्यूल, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी है गैसियस फ्यूल। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड फ्यूल इज द करेक्ट आंसर। पुराने दिनों में रॉकेट प्रोपेलेंट्स के रूप में सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, कर आए मोस्ट अवेलेबल फॉर्म ऑफ सॉलिड फ्यूल इज, सबसे ज़्यादा अवेलेबल मतलब सॉलिड फ्यूल कौन सा अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कोल, ऑप्शन नंबर बी है वुड, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इग्निशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वुड, सबसे ज़्यादा सॉलिड फ्यूल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हार द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच सोर्स इज यूज्ड लार्जली थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा सोर्स है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कोल, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रो पावर, ऑप्शन नंबर सी है वुड, ऑप्शन नंबर डी है सोलर एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा कोल का यूज किया जाता है। हाइड्रो पावर और सोलर एनर्जी का भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कोल का यूज किया जाता है। लगभग 92% कोल का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज एक्सप्लेन्ड बाई EX-C2 थ्योरी, इन सीटू थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी। द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज एक्सप्लेन्ड बाई, कोल का फॉर्मेशन किस थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन सीटू थ्योरी में कोल का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, मतलब किसी लकड़ी वुड को कोल में चेंज होने के लिए कौन सा इसका प्रोसेस सही है? ऑप्शन ए है वुड से पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस कोल। ऑप्शन बी है पीट वुड लिग्नाइट बिटुमिनस कोल, ऑप्शन सी है लिग्नाइट पीट वुड बिटुमिनस कोल, ऑप्शन डी है वुड लिग्नाइट पीट बिटुमिनस कोल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुड। वुड से बाद पिट बनता है, उसके बाद लिग्नाइट, फिर उसके बाद बिटुमिनस कोल बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट आर द मेन एप्लीकेशन ऑफ लिग्नाइट। मेन एप्लीकेशन क्या है लिग्नाइट का, मेन उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए है डोमेस्टिक फ्यूल, ऑप्शन बी रेलवे इंजन, ऑप्शन डी सी है यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन डी है इन व्हीकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज्ड ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड फॉर स्टीम जनरेशन इन थर्मल पावर प्लांट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिग्नाइट इज आल्सो कॉल्ड एज। लिग्नाइट को हम और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लैक कोल, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन कोल, ऑप्शन नंबर सी चारकोल, ऑप्शन नंबर डी क्रूड ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राउन कोल, हम लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। नीचे दिए गए जो फ्यूल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी है वुड, ऑप्शन नंबर सी है बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर डी है एंथ्रासाइट। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है 1K कैलोरी इक्वल 2BTHU, ऑप्शन नंबर बी है 1BTHU इक्वल टू 252 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4CHU। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1BTHU इक्वल टू होता है 252 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टू कैलकुलेट HCV ऑफ द फ्यूल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबक्शन आर कूल्ड डाउन टू। तो ऑप्शन ए है 600 फारेनहाइट, ऑप्शन बी 700 फारेनहाइट, ऑप्शन सी 400 फारेनहाइट, ऑप्शन डी 200 फारेनहाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 600 फारेनहाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हेन द कोल इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन एयर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर रिस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, ऑप्शन बी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन सी कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ कोल, ऑप्शन डी नेट कैलोरीफिक वैल्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैलोरीफिक इंटेंसिटी ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है टू कैलकुलेट द नेट कैलोरीफिक वैल्यू द प्रोडक्ट्स आर। ऑप्शन ए कोल्ड, ऑप्शन बी अलाउड टू एस्केप, ऑप्शन सी हीटेड, ऑप्शन डी कलेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउड टू एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द बम कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। बम कैलोरीमीटर किस चीज़ का कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स, सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल, लिक्विड फ्यूल दैट कैन बी आइजली वेपराइज्ड, सॉलिड फ्यूल्स ओनली। तो बम कैलोरीमीटर द्वारा हम सॉलिड और लिक्विड दोनों फ्यूल्स का कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बम कैलोरीमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर एट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज जनरली देन दैट ऑफ कोल। ऑप्शन ए है हायर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी है वेरी लेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हायर, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज जनरली हायर देन दैट ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ देयर इज मोर ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्यूल देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज। यदि किसी फ्यूल में मोर ऑक्सीजन कंटेंट, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, देन तब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज, तो उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए हाई होगा, ऑप्शन बी लो होगा, ऑप्शन सी मॉडरेट होगा, ऑप्शन डी वेरी हाई होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लो होगा। यदि किसी फ्यूल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत लो होगा और हमारा फ्यूल जो है बहुत धीरे धीरे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल गैस विल हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इनमें से जितने भी गैस हैं सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, यह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वाटर गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन डी नेचुरल गैस। तो इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो है कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। यह रहा आपका लास्ट क्वेश्चन था। यदि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह से आप लोगों को डेली एक वीडियो लेकर आता हूँ। आप चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।